नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। लगातार बढ़ता अपराध हरियाणा पुलिस के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है और निर्दोषों को इसकी कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ रही है। गुरुग्राम के बाद अब रेवाड़ी में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले दो सगे भाई युद्धवीर और संतोष दारूखेड़ा स्थित एक निजी कंपनी में जॉब करते थे। दोनों दारूखेड़ा स्थित बेस्टेक सोसाइटी में रहते थे। कल दिन के समय दोनों भाइयों का किसी बात को लेकर मनीष और सुनील के साथ झगड़ा हो गया। देर रात मनीष अपने साथियों के साथ संतोष के रूम पर पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हुए संतोष को 3 तो वहीं युद्धवीर को 1 गोली मारकर लहूलुहान हालात में छोड़कर मौके से फरार हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ संतोष ने दम तोड़ दिया, वहीं युद्धवीर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ 302, 452, 307 व आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही है। देखिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। वारदात का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं, इतना ध्यान नहीं है। पुलिस वाले का फोन आया था कि उसमें दोनों भाइयों पे गोली लग गई और एक की डेथ हो गई। क्या नाम था मरने वाले का? संतोष गुस्सा। कितनी उम्र का होगा? 22। और दूसरा? दूसरा 25। क्या नाम उसका? यदुवीर सिंह सर। यदुवीर सिंह। आपके क्या लगते हैं? भतीजे मेरे। तो क्या कुछ पता चला, कोई वजह क्या रही? वजह का पता नहीं चला। पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस ने तो अभी कुछ बोला नहीं। अभी कुछ नहीं बोला अभी। पूरा गोली वाला, ये दो भाई थे, बड़े का नाम तो युद्धवीर था तथा छोटे का नाम संतोष था। दोनों ही यहाँ अपने धारड़ा प्राइवेट नौकरी करा करते थे तथा बस्टेक में बने हुए बीपीएल परिवार के फ्लैटों में किराए पर रहते थे। यहीं पर रहने वाले किसी किराएदार के साथ उनका दिन में झगड़ा हुआ और उसी बात को लेकर के रात को ये अपने कमरे में सो रहे थे। उसी टाइम वो नीचे से गए और उनका गेट खुलवा करके उनका गोलियां चला दी। जो मरने वाला लड़का था जिसका नाम संतोष था, जिसको 3 गोलियां लगी तथा उसका दूसरा साथ भाई बड़ा था उस पर ये गोली लगी। उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है। इसको लगी हुई गोली के कारण इलाज के दौरान ये अपेक्स अस्पताल धारड़ा में मौत हो गई। कौन थे मारने वाले, क्या नाम? मारने वाले का नाम मनीष था। मनीष एक ही था या कोई और भी था? उसके साथ दो साथी और थे और वो मौके से भाग गए। सर क्या कारण रहा? आपस में दिन में इनकी कोई किसी बात पे छोटी मोटी झगड़ा हुआ था, उसी बात को लेकर के उसी ढंग से। क्या मामला दर्ज किया सर? इनके खिलाफ 302, 452, 307 आर्म्ड एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो क्या पोस्टमार्टम करवा दिए गए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी यहाँ जीएच रेवाड़ी लिए आए गए। बाद पोस्टमार्टम आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करें।